इसलिए हम लोग मोस्टली सॉर्टिंग पे रहेंगे। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं, इंसर्शन से। तो देख लो, ये एरे देख लो, सबको ये एरे दिख रहा है, पहला वाला जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा इनिशियल एरे था जो कि सॉर्टेड नहीं है। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो ये वाला इंसर्शन करते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ करना क्या। तुमको तुमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओ और देखो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। सबसे छोटा वैल्यू 1 दिखा, सबसे छोटा वैल्यू 1 दिखा, उठा के इसको सबसे स्टार्टिंग में डाल दो। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे बाहर के लूप में क्या रहेगा, तुम्हारे बाहर के लूप में रहेगा कि किस इंडेक्स पे वैल्यू आनी है। फिर अंदर का लूप क्या करेगा, उस वैल्यू के उस इंडेक्स के बाद से एंड तक हर एक वैल्यू को चेक करेगा कि यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है। सबसे मिनिमम वैल्यू मिल गई, उस वैल्यू कहाँ डाल दिया मैंने, आईएथ इंडेक्स पे। मतलब आईएथ इंडेक्स और वो जो जो भी जेएथ इंडेक्स है उन दोनों को मैंने स्वैप कर दिया बेसिकली। ठीक है, फिर अगली बार क्या हो जाएगा, i+1 से शुरू करेंगे सेम काम, i+1 से लेकर एन तक जाएंगे और देखेंगे सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। फिर मान लो कि वो कुछ जेएथ इंडेक्स आया, फिर i+1 और जे इंडेक्स जो है फिर से स्वैप होगा। ठीक है, और ये काम होता जाएगा। तो हमने क्या किया, एक अंदर वाला जो लूप है, अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, एक गिवन रेंज के अंदर में मिनिमम निकाल रहा है, उस मिनिमम को पकड़ के मैं उसके पोजीशन पे रख रहा हूँ। तो मतलब अभी नीचे वाला फिगर मत देखो, मैं सब समझा रहा हूँ यहाँ पे पहले वाले को। तो पहली बार में क्या हो रहा है ना कि हमारा आई यहाँ पे है, 0th इंडेक्स पे जहाँ पे अभी 4 है। ठीक है, हमारा आई यहाँ पे है और अब हम लोग अंदर वाले लूप में आ गए। मतलब मैं दो लूप लिख रहा हूँ, एक बाहर में आई का, उसके अंदर में जे का। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन जा रहा है और जे इक्वल्स टू i+1 से शुरू होगा और एन तक जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर सबको, कोड दिखाऊं क्या। ओके, i इज इक्वल टू 1 से लेकर, यार मैं सारे इंसर्शन नहीं, मैं किसी और थॉट का बात कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, लॉजिक मतलब समझ लो, एक एक ने एक तो फंक्शन मिल ही जाएगा। ओ अच्छा, याद आया मुझे, इंसर्शन सॉर्ट क्या था। इंसर्शन सॉर्ट ये था कि हम लोग जिस वैल्यू को देख रहे हैं ना उसको देखेंगे और उसको उसके फिर पीछे जाएंगे और उसके पीछे में जब तक कि उससे बड़े बड़े वैल्यूज मिल रहे हैं उसके पीछे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जिस एलिमेंट को पिक किया उसको जहां हम लोग फाइनली प्लेस करेंगे ना, दैट विल ऑटोमेटिकली बी अ प्लेस वेर इट इज, मतलब वहां तक वो सॉर्टेड रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब अगर मैं आईएथ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो ये 0 से लेकर आई तक सब कुछ सॉर्टेड मान रहा है। ठीक है, मतलब 0 से लेकर i-1 तक सब कुछ सॉर्टेड मान रहा है, फिर आईएथ इंडेक्स को देख रहा है, फिर आईएथ इंडेक्स को वहां प्लेस कर रहा है, तो फिर अब आई तक सॉर्टेड हो गया। ये होता है इंसर सॉर्ट। मैं जिस सॉर्ट का बात कर रहा हूँ वो डिफरेंट है, लेकिन समझ लो अभी वो भी पहले बोला सॉर्ट समझ लो, वो सबसे सिंपल सा सॉर्ट है। सबसे सिंपल सा सॉर्ट क्या है, मतलब एकदम गंवारों वाला सॉर्ट जो है कि तुम सबसे छोटा वैल्यू पिक करोगे, उठा के यहाँ पे ले आओगे। ठीक है, फिर ये वाला चीज हाइड कर लो, ये वाला चीज छुपा दो यहाँ से। अब यहाँ से शुरू करो, यहाँ से लेकर एंड तक शुरू करेंगे। तो हमारा आई यहाँ पे आ गया, अब जे हमारा यहाँ से जाएगा और हम लोग देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम मिला 2, अब उस 2 को उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। अब हमारा आई यहाँ पे आ गया और हम लोग जे यहाँ से अब ढूंढते जाएंगे, फिर ढूंढेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है। तो यहाँ पे 10, 12, यहाँ पे 4 आ चुका है, 1/4 स्वैप किया था मैंने, 5, 6, तो मिनिमम तो यहाँ पे 5 था, लेकिन ये 3 ऑलरेडी छोटा है तो छोड़ देंगे उसको वहाँ पे। ठीक है, फिर अगला अगला लूप अगला यहाँ पे आ जाएगा, 10, 12, 4, 5, 6, फिर मिनिमम 4 आया तो 4 को स्वैप कर देंगे यहाँ पे। समझ रहे हो, ऐसे चलता जाएगा। मतलब जो भी मिनिमम है ना, उस मिनिमम को पिक करके सबसे आगे ला रहे हैं, फिर उस इंडेक्स को भूल जाते हैं, फिर आगे वाले इंडेक्स में देखते हैं। क्लियर है, एक बार रुक जाओ, मैं एनोटेशन समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ। इसको मोटा कैसे करते हैं, किसी को पता क्या? ठीक है, छोड़ो, कैसे करते हैं मोटा बता दो आपको। ठीक है, तो मान लो कि
अभी स्टार्टिंग हमारा आई यहाँ पे था, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा आई था, इस पॉइंट पे आई था, तो हम लोग जे को शुरू करेंगे यहाँ से लेकर एंड तक, ठीक है। तो अब जे को यहाँ पे शुरू किया तो जे रहा 4, फिर 3, फिर 2, 10, 12, 1 सबसे छोटा, तो वैल्यू हो गई, मिनिमम की वैल्यू हो गई 1, फिर 5 और 6 तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे और इस 4 को यहाँ डाल देंगे, तो 4 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 आ गया है और ये 1 यहाँ चला गया है। अब अगली बार हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और फिर ढूंढेंगे कि मिनिमम कौन सा है, तो देखेंगे कि मिनिमम 2 है, तो ये वाला स्वैप हो जाएगा यहाँ से यहाँ और ये वाला यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्वैप कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक में मिनिमम कौन सा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम 3 ही था, तो ये स्वैप कुछ होगा नहीं, मतलब 3 यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर अगले एलिमेंट पाएंगे तो यहाँ पे है 10। अब यहाँ से लेकर एंड तक में मिनिमम क्या है, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे क्या था 4 आ गया था ना बेसिकली, जब हम लोग स्वैप किए तो यहाँ पे 4 आ चुका था, तो अब ये वाला स्वैप हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे, और यहाँ पे नया वैल्यू क्या बन जाएगा 10, यहाँ पे जो नया वैल्यू है वो बन जाएगा 10, ठीक है, कूल। और यहाँ पे हो गया 4, तो बेसिकली तुम्हारा क्या आ गया 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे 12 भी है। अब हमारा इंडेक्स आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से लेकर एंड तक देखेंगे तो सबसे मिनिमम कौन सा है 5, तो 5 को उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ कर दिया, ओके कूल, समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, किसी को ये बात समझ में नहीं आई अभी जो मैंने बोला, अभी तक जो बोला समझ में आया सबको भैया? ये तो काइंड ऑफ बबल शॉट के तरह ही हो रहा है, बबल शॉट में एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर रहे हैं। वहां मतलब मैं पूरे रेंज का मिनिमम निकाल रहा हूँ और उसको उस रेंज के स्टार्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैंने एक रेंज माना, मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, तो मान लो कि जैसे सबसे पहली बार क्या हुआ, सबसे पहली बार हमारा आई यहाँ पे था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिनिमम निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिनिमम कौन सा था, ये, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू स्वैप हो गई, ठीक है। अब अगली बार कहाँ जाएगा, आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मिनिमम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिनिमम क्या आएगा 2, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा यहाँ से लेकर एंड तक हम लोग मिनिमम निकालेंगे, यहाँ से लेकर एंड तक का मिनिमम, तो यहाँ से लेकर एंड का मिनिमम क्या था, वो खुद मतलब 3 यहाँ पे था और 3 ही मिनिमम है, तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। अगली बार क्या होगा कि मिनिमम ढूंढेंगे, तो ये वाला जो यहाँ पे वैल्यू हो गई थी, नई वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे 4 आ गई थी, तो 4 और 10 जो है स्वैप हो जाएगा, ठीक है, 4 और 10 स्वैप हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10, 5, 6, तो 5 सबसे मिनिमम है, मतलब इस रेंज का मिनिमम कौन सा है 5, तो ये 5 उठ के यहाँ पे मतलब इंसर्शन शॉट में मैं एक इंडेक्स के साथ पूरा एरे को एक साथ देख रहा हूँ, लेकिन इन बबल शॉट वी आर लुकिंग फॉर टू एडजेसेंट इंडेक्सेस। हाँ, एडजेसेंट इंडेक्सेस पे देख रहा हूँ, एडजेसेंट इंडेक्सेस पे देख रहा हूँ, और इन पे देख रहा हूँ कि कौन छोटा है, तो उसको आगे ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो एडजेसेंट 2 को देखेगा और आगे लेते आएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, जो बड़ा एलिमेंट है वो हर बार एक राइट पुश होता जाएगा, है ना, जो भी बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट पुश होता जाएगा और फाइनली कहाँ चल जाएगा, सबसे राइट में। तो इस काम से क्या हो गया, तुम्हारे पूरे रेंज का सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे राइट में चला गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन सबसे मैक्सिमम वैल्यू सबसे राइट क्या, बाकी सारे वैल्यू अभी अरेंज नहीं है, जैसे बबल शॉट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो बबल शॉट का देखो एग्जांपल, तो बबल शॉट कैसे कर रहे हैं, तो बबल शॉट में क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 4 और 3 है, तो 4 और 3 में 3 छोटा है, तो 3 को स्वैप, इनको स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड वाला वैल्यू छोटा है, तो राइट साइड वाला वैल्यू छोटा है, तो मुझे इसको स्वैप करना है, तो ये यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया, है ना। फिर अगली बार क्या होगा, 4 तो यहीं का, 4 तो यहाँ पे है, यहाँ पे है 2, ठीक है, तो 2 आगे आ जाएगा, स्वैप होगा ना फिर से, मतलब यहाँ पे 4 आ चुका है और यहाँ पे 2 है, 4 और 2 में जब कंपेयर करेंगे तो 2 छोटा है, तो 2 आ जाएगा लेफ्ट में और 4 आ जाएगा हमारा राइट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
कि यहाँ पे 4 और 10 को कंपेयर करेंगे तो 10 तो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि 10 बड़ा था 4 से, तो रहने देंगे। 10 और 12 को कंपेयर करेंगे, 12 यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। फिर 12 और 1 को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर अगली बार 12 यहाँ पे आ जाएगा और फिर अगली बार 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू था 12 वो तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में आ गया है ना। लेकिन तुम 12 के अलावा देखो यहाँ पे ये पूरा चीज सॉर्टेड है क्या? नहीं है, अभी भी सॉर्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 तो सबसे छोटा है, 1 को यहाँ आना चाहिए था लेकिन 1 तो यहाँ पे नहीं आया ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हारा सबसे बड़ा वाला वैल्यू सबसे राइट में चला गया लेकिन बाकी सारे चीज अभी सॉर्टेड नहीं है। तो ये वाला काम हम लोग फिर से करते रहेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे जब तक कि सब कुछ सॉर्टेड ना हो जाए। तो रिपीटेडली कितने बार करना पड़ेगा? देखो एक लूप में एक चीज तो सही हो गई तो एन लूप में एन चीजें सही हो जाएंगी, इसलिए बाहर में एक एन एन का लूप चलता है, जो बाहर में आई का लूप है ना, जैसे देखो पर्पल शॉर्ट में। हाँ तो ये देखो जो बबल शॉट में तुम्हारा ये है ना, कोड तो ये बबल शॉट का कोड देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रीन पर कर देता हूँ, ठीक है। तो बबल शॉट का कोड इतना ही है देखो। इसमें क्या है, बाहर में एक आई का लूप है, अंदर में एक जे का लूप है। तो अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, एक बार में एक एलिमेंट को पिक कर रहा है, उसको राइट वर्ड पुश कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी बताया ना मैंने यहाँ पे देखो ये वाला काम कि इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, तो जो भी बड़ा है उसको राइट में, जो छोटा है उसको लेफ्ट में, इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर जो बड़ा है उसको राइट, जो छोटा है उसको लेफ्ट, ऐसे करते 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 एंड तक। तो ये अंदर वाला लूप हुआ, अंदर वाला ये वाला लूप, जे वाला लूप। देखो जे वाला लूप में क्या हो रहा है, जे को जे प्लस वन से कंपेयर किया जा रहा है, जे और जे प्लस वन को कंपेयर किया जा रहा है, और अगर जे प्लस वन वाला एलिमेंट जो है छोटा है तो स्वैप का नेसेसरी है, तो स्वैप कर दिया हमने, हमने हमें स्वैप करना था इसलिए मैंने स्वैप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये काम कितने बार करना है मुझे, ये काम मुझे एक बार में एक एलिमेंट सबसे राइट जा रहा है, तो ये काम मुझे उतने बार करना होगा कि सारे एलिमेंट राइट चले जाएं, इसलिए ये काम मैंने कर दिया आई n माइनस वन टाइम्स, हर एक एलिमेंट को राइट साइड पुश कर दिया। अब पूरे ये बात है ना, अब समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि ये n माइनस आई माइनस वन टाइम्स क्यों लिया है, अगर तुम n भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब यहाँ पे n माइनस आई माइनस वन इसलिए लिया गया है ताकि तुम रिपीटेड काम ना करो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमाइज किया गया है इसको, ठीक है, मतलब कोशिश था कि थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाए, उतना भी खास ऑप्टिमाइज हुआ नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी तो एन स्क्वायर ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक एन लूप के अंदर में एक एन का लूप है, तो बेसिकली एन स्क्वायर एल्गोरिदम है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट एन स्क्वायर बाय टू होता है बेसिकली, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो फर्क तो आया नहीं, एन स्क्वायर एल्गोरिदम लगे, इसलिए इसको एन तक करो या एन माइनस आई माइनस वन तक करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एन माइनस आई माइनस वन क्यों करना, क्योंकि बाद वाले चीज तो जैसे लास्ट के आई एलिमेंट्स जो है वो तो सॉर्टेड है, मतलब वो तो सबसे बड़ा वाला सबसे राइट, फिर सेकंड सबसे, ऐसे हम लोग करते ही आए थे, मतलब अगर हम लोग आई, हम लोग का वैल्यू यहाँ पे अगर आई हो गया, इसका मतलब कि उससे पहले जो है आई माइनस वन तक हम लोग का सॉर्टेड था, इसलिए बोला कि उनको फिर से दोबारा करने का जरूरत नहीं है, इसलिए एन माइनस आई माइनस वन तक चल रहा है, ठीक है। ये होता है बबल शॉर्ट, देखो कितना सिंपल सा कोड है इसका, बबल शॉर्ट का मतलब एकदम से सिंपल है। अब इसे सिंपल सॉर्टिंग क्या ही बोलूँ, ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, एडजेसेंट दो एलिमेंट को लेते हैं, कंपेयर करते हैं बड़ा छोटा कौन है, तो जो भी बड़ा होगा वो राइट में जाएगा, जो छोटा होगा वो लेफ्ट में जाएगा, और ये काम करते जाओ एंड तक, ठीक है। ये हो गया एक लूप। अब इस एक लूप में क्या हो रहा है, तुम्हारा सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे राइट में जा रहा है, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे राइट में जा रहा है, तो तुमको ये काम कितने बार करना होगा, एन टाइम्स करना होगा। इंसर्शन सॉर्ट क्या है भैया, इंसर्शन सॉर्ट भी सिमिलर है, नहीं इंसर्शन सॉर्ट एक्चुअली डिफरेंट है, मैंने थोड़ा सा मैंने नाम थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, जो सॉर्ट मैं बोल रहा हूँ दैट इज पता नहीं कौन सा सॉर्ट है यार, वो उस शॉट में क्या करते हैं, मैं उस लूप का सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढता ही हूँ, खुद से मैं सर्च कर रहा हूँ कि सबसे मिनिमम एलिमेंट है कौन सा, जो भी मिलेगा मुझे मैं उसको प्रेजेंट इंडेक्स से स्वैप कर दूंगा, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे मिनिमम कौन है, 1, तो 1 और 4 स्वैप हो गए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में सबसे मिनिमम कौन है, तो मतलब जो भी होगा उसको इसे स्वैप कर देंगे,
तो मिनिमम ढूंढने का कॉस्ट है। नहीं नहीं क्विक सॉर्ट तो बहुत ऑप्टिमाइज है, तो एन स्क्वायर एल्गोरिथम बोल रहा हूँ अभी मैं, गंदे एल्गोरिथम बोल रहा हूँ जो टाइम बहुत लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे एन स्क्वायर एल्गोरिथम है, एन इंटू एन, ठीक है। क्विक शॉट तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट एल्गोरिथम्स है, क्विक शॉट से फास्ट कोई शॉट नहीं है बेसिकली अप टिल नाउ, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया? अब इंसर्शन शॉट समझ लो क्या है। इंसर्शन शॉट भी कुछ भी नहीं है। इंसर्शन शॉट में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि आई तक ये चीज जो है ना, मतलब अप टिल इंडेक्स आई, जो हमारा लूप चल रहा है आई पे, बाहर वाला लूप आई है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा आई जीरो से लेकर आईएथ इंडेक्स तक सॉर्टेड है, ठीक है। जीरो से लेकर आईएथ इंडेक्स सॉर्टेड है, तो अब हमारा आई प्लस वन जो एलिमेंट है उसको हम लोग को प्रॉपर पोजिशन पे डालना है। तो कैसे डालेंगे? तो हम लोग ढूंढेंगे, मतलब वहां से हम लोग बैक जाएंगे और ढूंढेंगे कि कौन किस पोजिशन पे रखें ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो जब तक बड़े बड़े एलिमेंट मिलेंगे तब तक पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, जैसे देखो कि इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट आया स्टॉप। जैसे ये देखो, जैसे इस केस में देखो, देखो 2 3 4 सॉर्टेड है, फिर 10 ये नहीं निकाल के, ये देखो ये केस देखो 2 3 4 10 12 यहाँ तक सॉर्टेड था, 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4 4 से बड़ा 10 10 से बड़ा 12, फिर आया 1, ठीक है। अब हम लोग इसी इंडेक्स पे थे, अब मुझे इसको सही जगह पे डालना है, तो मैं सर्च किया, नहीं बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, तो कहाँ जाएगा 1? पीछे और पीछे, ठीक है। बस ये काम करना होता है, इसको उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ डाला तो इसको यहाँ डालोगे, इसको यहाँ डालोगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो मतलब ये कॉस्ट काफी ज्यादा, मतलब एक्सपेंसिव होता है बेसिकली। सबसे घटिया शॉट होता है इंसर्शन शॉट, मतलब जो ये काम कर रहे हैं एक एक उठा के डालते जाओ, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है यार, इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, देखो एक होता है सिर्फ सर्चिंग, तो सर्चिंग इज मतलब फिर भी अफोर्डेबल, लेकिन स्वैपिंग एनी एलिमेंट इज क्वाइट कॉस्टली, मतलब क्योंकि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, फिर एरे के एलिमेंट को एडिट करना है और उस वैल्यू को कहीं सेव भी करना है और फिर दोबारा एडिट करना है। देखो तुम कितना एडिट कर रहे हो, एक यहाँ से यहाँ गया, अब ये चेंज 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 चेंज, मतलब कितने सारे चेंज आए, ठीक है। तो ये स्वैप ढेर सारे आ गए ना, इसलिए ये सबसे गंदा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है इंसर्शन, ठीक है। ढूंढ लो और उसको सबसे आगे पिक और आगे पुट कर दो, उसमें भी कॉस्ट तुम्हारा एन स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि सर्चिंग का कॉस्ट एन और ये काम तुम कितने बार कर रहे हो, एन टाइम्स, इसलिए एन स्क्वायर, ठीक है। अब कूल है, तो मैंने अभी तक 3 एल्गोरिथम बता दिए। जो मैंने तीसरा बताया, मतलब जो बताया कि सबसे छोटा ढूंढो और सबसे आगे करो, वो कौन सा एल्गोरिथम होता है मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो वो सिलेक्शन शॉट है क्या भैया? सिलेक्शन शॉट ही होता है, हाँ यही है सिलेक्शन शॉट है, बाय रिपीटेडली फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम अनसर्ट एंड पुटिंग इट एट द बिगिनिंग, ठीक है, एग्जैक्टली यही काम है सिलेक्शन। थैंक्स यार। तो इसका एल्गोरिथम देखो कितना सिंपल था, मतलब इसका एल्गोरिथम देख लो कितना सिंपल सा है, मतलब काम क्या करता है ये, तो वो सिलेक्शन शॉट पे करता क्या है, एक बाहर में एक लूप चल रही है, इंडेक्स की किस इंडेक्स पे लाना है मुझे, ठीक है, मतलब किस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, स्वैप कर रहे, मतलब कहाँ से हम लोग ला के किस इंडेक्स पे लाएंगे, मतलब जो बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग कहाँ पे है, ये वो आई है, ठीक है, ये वो आई बताएगा कि बिगनिंग कहाँ से है, कहाँ से लेकर कहाँ से लिखना है। अब जो भी आई होगा मुझे आई से लेकर एंड तक देखना है, इसलिए जे को मैंने आई प्लस वन से शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद एंड तक देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू किस इंडेक्स पे है, जैसे ही वो इंडेक्स मिल जाएगी मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। और ये काम कितने बार करूंगा, सबके लिए करूंगा, इसलिए बस बाहर में एक लूप हो गई, एक बार मिनिमम ढूंढूंगा पहले एक लूप लगा के। देखो ये लूप सिर्फ मिनिमम फाइंड कर रहा है, ठीक है, ये लूप फाइंड कर रहा है कि मिनिमम कहाँ पे है, किस इंडेक्स पे है, वो मिनिमम वो इंडेक्स निकाल दो, तो जे में वो मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू सेव हो जाएगी, सॉरी मिनिमम इंडेक्स में वो वैल्यू सेव हो जाएगी कि किस इंडेक्स पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लेस्ड है, फिर उसको उठा के जो है हम लोग डाल देंगे सबसे आगे ऑफ दैट पार्ट, सबसे आगे ऑफ द एरे नहीं, सबसे आगे ऑफ दैट पार्ट जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था ना अभी कि जैसे हम लोग यहाँ तक कर लिए, मान लो कि हम लोग सिर्फ इतने दूर को देख रहे हैं, तो इतने दूर में सबसे छोटा कौन सा है उसको उठा के यहाँ पे लाओ, ठीक है, एग्जैक्टली फॉर इट। चलो फिर आज लोग कम आए क्या, और कम हो भी क्या, 14 थे कुछ देर पहले, कुछ चला गया।
चलो चलो कोई नहीं। तो तीन शॉट हो गए, ठीक है। अब इनके कोड में लिखूं कि मतलब कोड, मतलब मैंने बोल तो दिया है तो अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक नहीं है। देखो मैं कॉपी पेस्ट नहीं मार देता हूँ अभी, क्योंकि टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो ठीक है, फिर ये रहेगा तुम्हारा बबल। मतलब देख लो यार, मुश्किल से मतलब दो फॉर लूप है सिर्फ ये, ठीक है, दो फॉर लूप वाले हैं, इतना सिंपल सा कोड तो मतलब यही बताओ। और ये रहा तुम्हारा सिलेक्शन शॉट, मतलब आउट ऑफ दीज थ्री तो मुझे लगता है कि सबसे लेस कंफ्यूजन इसी में है, सिलेक्शन शॉट में, क्योंकि सिलेक्शन शॉट में करना ही क्या है तुमको, सबसे मिनिमम पिक करना, सबको सबसे आगे करते रहना।